चाहती हूँ, उम्मीद है आप सब गौर फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं, ए वतन तुझसे नया अहद वफा करते हैं, माँ क्या चीज है हम तो जान फिदा करते हैं, सुर्ख हो जाती है जब सहन चमन की मिट्टी, सुर्ख हो जाती है जब सहन चमन की मिट्टी, इस मुकाम में तब फूल खिला करते हैं। मौजूद सामान, तारीख के आने में झांकने से हमें मालूम होता है कि इस दुनिया का एक उसूल है कि जब तक आप कोई बड़ी कुर्बानी नहीं देते आपको अजीम मंजिल नहीं मिलती। हर दौर में मुख्तलिफ कौमों ने अपने अजीम मकसद को हासिल करने के लिए अपनी जान व माल की कुर्बानी दी, तब उनका मकसद उनकी मंजिल को पहुंचा। लफ्ज़ कुर्बानी कहने को तो आसान है लेकिन करने को मुश्किल तरीन अमल है। हमारा ये ईमान है कि जिस तरह हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी ना देते तो दीन इब्राहिम इस दुनिया में कयामत तक ना फैलता, कि जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मज़लूम ना होते तो अमल मौसूल का जज्बा अपने अवाइद में ही दम तोड़ देता, कि जिस तरह हज़रत इमाम हुसैन करबला के मुकाम पर अपने बच्चों के साथ एक अजीम कुर्बानी ना देते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मोहम्मदी कयामत तक परवान ना चढ़ता। बिल्कुल इसी तरह अगर लाखों हिंदुस्तानी मर्द और औरतें जंग आज़ादी में अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर एक अजीम कुर्बानी ना देते तो शायद इस मामले मिल्लत का वजूद भी बस एक खौफ बन के रह जाता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरत ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी मुश्किल और मसाइल का सामना किया। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने बहुत सी कुर्बानियाँ पेश की। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया था। ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के पर्दे को चूमा। जब भगत सिंह को फांसी के पर्दे पर चढ़ाया गया तो भगत सिंह ने अपनी जबान से अल्फाज निकाले, अभी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, अभी जिसका खून न खोला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीख बोल रही है कि वो इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बहुत से लोगों ने अपना हन रोल अदा किया है। और अगर हम बहादुर शाह जफर की बात करें तो 1857 की जंग में बहादुर शाह जफर को रंगून की काली कोठी के पीछे ढकेला गया तो अंग्रेजों ने कहा था, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, दम दमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने जो जवाब दिया था वो ये था, गाजियों